Very good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and staying safe at your home. Today I will tell you something about magic words. Magic का मतलब होता है जादू. तो आज मैं आपको कुछ ऐसे words के बारे में बताने वाली हूँ जो किसी ना किसी तरीके से जादू बिखेरते हैं. So let's start. तो जो हमारा सबसे पहला word है that is thank you. थैंक यू हम जनरली कई बार बोलते हैं. थैंक यू हम कब कब बोलते हैं और इससे क्या मैजिक क्रिएट होता है, तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं. द वेरी फर्स्ट पिक्चर विच यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन इज ऑफ अ बॉय हु इज रिसीविंग अ गिफ्ट फ्रॉम समवन. जो ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, इस पर आप क्या देख रहे हैं, एक बच्चा है जिसे कि अपनी मदर से या अपनी सिस्टर से कोई गिफ्ट मिल रहा है. तो आप इसका फेस कैसा देख रहे हैं, स्माइलिंग देख रहे हैं. तो हमें क्या पता चलता है, जब भी हम कुछ गिफ्ट्स रिसीव करते हैं तो हम स्माइल करते हैं, और जब हम स्माइल करते हैं, हम खुश होते हैं किसी भी वजह से, तो हम क्या बोलते हैं, थैंक यू. दैट मीन्स जब भी हम किसी से कोई गिफ्ट या कोई चीज़ रिसीव करें तो हम उससे क्या बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए. दूसरी पिक्चर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें एक मदर है जो अपनी सिक बेबी की केयर कर रही है. तो अब जब भी हमें कोई केयर करता है, कोई हमारी देखभाल करता है, कोई हमारे लिए स्नेह दिखाता है, कोई हमारे लिए प्यार दिखाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, थैंक यू. या वो कोई हमें किसी न किसी तरीके से जब हेल्प करता है तब हम उसे क्या कहते हैं, थैंक यू कहते हैं. अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, इसमें एक बॉय है जो अपने पेरेंट्स से बर्थडे पर गिफ्ट्स ले रहा है. तो किसी भी तरीके से कोई अगर हमें विश करता है, हमारे लिए अच्छी शुभकामनाएं हमें देता है या हमें गिफ्ट्स देता है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको अपना थैंक्स पे करते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें क्या कहना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए. नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, इसमें दो फ्रेंड्स हैं जो कि अपनी कोई चीज़ अपनी बॉल शेयर कर रहे हैं. तो जब हमें हमारे साथ कोई चीज़ शेयर करता है अपनी, दैट मीन्स कि वो हमें किसी ना किसी तरीके से अपना अफेक्शन दिखाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उससे थैंक्स पे करेंगे. तो चलिए अब नेक्स्ट मैजिक वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज़ प्लीज़. तो हम देखते हैं अब हम प्लीज़ कब कब बोलते हैं. सबसे पहला पिक्चर है वो हम ये देख रहे हैं कि एक बॉय है जो कि आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम परचेज कर रहा है. तो जब वो कोई भी चीज़ हम किसी से मांगते हैं, किसी भी चीज़ को हम किसी से चाहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्लीज़. तो यहाँ पर जो है बॉय ने क्या बोला उस गर्ल से, प्लीज़ गिव मी आइसक्रीम, प्लीज़ गिव मी एन आइसक्रीम. तो जब भी हम किसी से कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज़. दूसरे पिक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लासरूम में एक बॉय के पास में पेंसिल है, और जो गर्ल है वो उससे क्या कर रही है, पेंसिल मांग रही है. तो जब वो उससे मांगेगी तब उसको क्या बोलेगी, प्लीज़. दैट मीन्स प्लीज़ गिव मी पेंसिल. जिस तरीके से आइसक्रीम पार्लर पर उस बॉय ने कैसे बोला था गर्ल से, प्लीज़ गिव मी एन आइसक्रीम, तो इन द सेम वे जब यहाँ पे क्लासरूम में एक गर्ल बॉय से पेन या पेंसिल मांग रही है, तो क्या बोलेगी, प्लीज़ गिव मी पेंसिल. अब चलिए हम अपने नेक्स्ट मैजिक वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज़ सॉरी. सॉरी का मतलब होता है मुझे माफ़ करिए. तो हम देखते हैं अब हम सॉरी कहाँ कहाँ पर हमें यूज़ करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. जो सबसे पहला पिक्चर हम देख रहे हैं, इसमें एक बॉय है जिसे कि गलती से या जिसे जानबूझ के दूसरे बॉय का जो टॉय है वो टूट गया है और वो नाराज़ हो रहा है. तो ऐसी कंडीशन में ये बॉय क्या बोल रहा है, ही इज़ फीलिंग सॉरी, मतलब उसको बुरा लग रहा है, और वो क्या बोल रहा है, आई एम सॉरी. दैट मीन्स मुझे माफ़ कर दीजिए. चलिए तो हम अपने नेक्स्ट पिक्चर पर आते हैं. नेक्स्ट पिक्चर में हम क्या देख पा रहे हैं कि एक बॉय है वो बनाना खा रहा है, और उसने बनाना का जो वो छिलका होता है वो ज़मीन पे रोड पर वो फेंक देता है, जिससे कि दूसरा जो बॉय है वो फिसल कर गिर जाता है. तो इस बॉय की गलती की वजह से दूसरे बॉय को जो है हर्ट हुआ या चोट लगी, तो फिर वो उसको क्या बोलेगा कि आई एम सॉरी, दैट मीन्स मुझे माफ़ कर दीजिए. अब हम अपने नेक्स्ट मैजिक वर्ड पर आते हैं, एंड दैट इज़ एक्सक्यूज़ मी.
तो चलिए देखते हैं एक्सक्यूज मी हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और जो दूसरा बॉय है वो इन लोगों से बात करना चाहता है, दैट मीन्स बीच में इंटरप्ट करना चाहता है और अपनी कुछ बात कहना चाहता है। तो जब इस तरीके से कभी भी कोई सिचुएशन होती है तो आप अपनी बात कैसे स्टार्ट करेंगे, आप अपनी बात एक्सक्यूज़ मी कहकर करेंगे कि दैट मीन्स एक्सक्यूज़ मी मेरी बात सुनिए, या एक्सक्यूज़ मी लिसन टू मी, या फिर आपको इसके अलावा कुछ भी बोलना है बट आप अपनी बात कैसे स्टार्ट करेंगे। जब दूसरों को डिस्टर्ब करें या दूसरों को इंटरफेयर करके हम जब बात करते हैं तो हम बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी। अब इसके बाद में जो मैजिक वर्ड है दैट इज़ वेलकम। तो देखिए वेलकम हम कहाँ पर बोलते हैं, जब भी कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, वेलकम। मतलब आपने किसी को अगर बोला कि थैंक यू तो सामने वाला आपको क्या बोलेगा, वेलकम, या उसे क्या बोलना चाहिए, वेलकम। तो इस तरीके से आज हमने मैजिक वर्ड्स के बारे में पढ़ा जो है प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, वेलकम एंड एक्सक्यूज़ मी। तो इन वर्ड्स को आपको जिस जिस जगह जहाँ जहाँ जिन जिन कंडीशंस में मैंने बताया है उस जगह आप इनको कहिए, उस जगह आप उनको अप्लाई करिए। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड द कंसेप्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।